तो कह दुनिया भुखी मरती और मरेगी और के राज सही गल कह रहे हैं, गल थोड़ी कह रहे हैं। हम खुद बीजेपी में हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त इतना टैक्स चल रहा है, इतना टैक्स चल रहा है भाई आदमी जीना भी हराम हो गया। एक एक बंदे के पास 10-10 मकान हैं, प्लाट हैं, दुकानें हैं, मॉल कंसेप्ट है, ये भी देखो ना, तो लगना चाहिए ना स्मार्ट सिटी चाहिए, मगर जिस हिसाब से मंदा चल रहा है हिसाब से स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए हमें। अच्छी बात है, मैं तो कोई गल नहीं, माल के जाना साढ़े के आना। अच्छा नहीं गलत, क्यों क्या बंदा करेगा बिजनेस इस टाइप का, सब टैक्स पे जाएगा, बंदा क्या करेगा, क्या बिजनेस करेगा बंदा। तो यार किस किस चीज़ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी पहले मुझे बताओ, हर चीज़ पे तो टैक्स लगा चुकी है कि नहीं लगा चुकी। देखो अगर डेवलपमेंट के लिए अगर होनी है उसके लिए तो टैक्स लगना है, खर्चा चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ रहा है, ये किस बात आम पब्लिक के ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो। आगे डोगरा जो है जम्मू वाले तो वैसे फंसे हुए बेचारे, हर जगह से मार खा रहे हैं। जी शुरू किया इन्होंने, वो तो कह रहे नहीं लगेगा, लेकिन जब नोटिस एक बार निकल गया तो वो तो लगेगा। जो पैसे जोड़ेगा वो पता नहीं कैसी मुश्किल से जगह लेके उसको बनाएगा, पहले टैक्स देगा तो फिर ही बना पाएगा ना। कोई खुदकशी करता है, कोई चोरियां नहीं हुई जम्मू शहर से, ये कुछ होता है यार। प्रॉपर्टी तो बहुत इंसान मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, उस पर टैक्स क्यों लगे। स्टेट में आपका स्वागत है, मैं गोहर। बात करें यार प्रॉपर्टी टैक्स की, तो जहां डिप्टी मेयर जी ये कह रहे हैं कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, वहीं जो नोटिफिकेशन है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वो नोटिफाइड हो चुकी है, वो लोगों के पास आ चुकी होगी एज अ PDF, उनके व्हाट्सएप पे आ चुकी होगी। मगर बात करें डिप्टी मेयर की, उन्होंने तो यही बोला है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, बात चल रही है सब, मगर हम जानते हैं जब नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट्स की आ जाए तो उसके बाद कोई भी चीज़ को रोक नहीं सकती। आज उसी चीज़ को लेकर हम आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर उनका क्या रोष है, उनको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स लग जाना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उनका प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या व्यू है। अंकल जी प्रॉपर्टी टैक्स लग गया है, प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, डिप्टी मेयर जी हैं जो हमारी मैडम है उन्होंने बोला बट अभी नहीं लगेगा, बट नोटिफिकेशन आ चुकी है डिपार्टमेंट की तरफ, जब आपको पता है डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए तो इसका मतलब कभी भी लगा सकते हैं, क्या बोलना चाहोगे। यही कि अब सब झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नहीं लगेगा, तो अगर वो आ गई है तो उसमें हम लोग रोक नहीं सकते, तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बिजनेस बिल्कुल ठप पड़े हैं, काम का है नहीं, आप मार्केट में घूम रहे हो, मार्केट में ये बाजार होता है, यहाँ पर निकलने का रास्ता नहीं होता था, आजकल तो ऐसे लग रहा है जैसे कर्फ्यू लगा है, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि इसमें क्या कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम चंडीगढ़ को देखें या बाहर की सिटीज़ को देखें, वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगता है और फिर वो डेवलप, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सुबह झाड़ू वाला आता है उसको बोलो यहाँ से वो नाली का गंद निकाले, वो निकालेगा नहीं, वो बोलता मेरी ड्यूटी नहीं है जी, आप प्राइवेट करवाओ, प्राइवेट हम किससे करवाएंगे। ये थे लोग जो प्रॉपर्टी टैक्स पे इस वक्त रोष व्यक्त कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं, किसी और से पूछते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। होना नहीं चाहिए टैक्स, लगना नहीं चाहिए, किस बात का टैक्स देना है, हम हमारी 100-100 साल की पुरानी प्रॉपर्टी बनी हुई है तो उस पर टैक्स देंगे, ये आज ही शुरू किया इन्होंने, वो तो कह रहे नहीं लगेगा, लेकिन जब नोटिस एक बार निकल गया तो वो तो लगेगा, वो तो कह रहे नहीं लगेगा। मगर अगर हम अंगल चंडीगढ़ देखें, बाहर वाली सिटीज़ देखें, वहाँ पे डेवलपमेंट भी है और सब कुछ है, यहाँ पे भी जम्मू में होनी शुरू हो गया, आपने देखा होगा विक्रम चौक जाओ तो अब साइन बोर्ड्स बड़े बड़े लग रहे हैं और नीचे हैशटैग भी लिखा रहा है खंड मिठे लोग डोगरे, ऐसे वाले हैशटैग लग रहे हैं, स्मार्ट सिटी की तरफ जा रहे हैं। अगर स्मार्ट सिटी चाहिए तो हमें प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही पड़ेगा। स्मार्ट सिटी से होर्डिंग लगाने से थोड़ी हो जाएगा, कुछ डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। देखो सड़कों की हालत देखो क्या है, बाजारों की देखो क्या हालत है, देखो कंजेस्टन कितना हो गया, ये आप निकल नहीं सकते बाजार इतना कंजेस्टेड है, आगे जाकर देखो सड़कें टूटी हुई हैं, कोई रिपेयर करने वाला इनको कोई नहीं है, स्मार्ट सिटी का क्या फन है। अब देखो जाके 3-3 साल हो गए सड़क रिपेयर नहीं हो रही, ये हमारे चौक में आगे चले जाओ यहाँ से लेकर डाकने चौक से परेड तक टूटी हुई सड़क, अब स्कूटर पे जाओगे तो बिल्कुल हिल जाता आदमी। अंगल देखें तो बात करें अगर यहाँ पे लोकल्स की, तो ये आपको नहीं लगता ये वॉकिंग स्ट्रीट्स बन जानी चाहिए, अब यहाँ पे कंजक्शन बड़ा हो जाता है, गाड़ियाँ आ जाती हैं, अब वॉकिंग स्ट्रीट बन जानी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स के बिना अगर बात करें हम तो ये वॉकिंग स्ट्रीट बन जानी चाहिए ना, बनी गई है और क्या है, अभी भी देखो ना गाड़ियाँ आ सकती हैं, इधर गाड़ियाँ पूरी ब्लॉक ही हो जानी चाहिए, गाड़ी नहीं अलो हो, जैसे बाकी हम फॉरेन जाते हैं कोई कोई स्ट्रीट्स है ना जहाँ पे बड़ी बिजी स्ट्रीट्स होती हैं, जैसे दिल्ली में बड़े सारे इलाके हैं जहाँ गाड़ी नहीं लेके जा सकते, अब वॉकिंग स्ट्रीट आप पैदल ही जाना पड़ेगा आपको, आपको नहीं लगता यहाँ पे भी कहीं ओल्ड सिटी पार्किंग की जगह भी नहीं है ना, प्रॉब्लम यह है जो कुछ घर का आएगा जो पार्किंग कहाँ लगाएगा वो तो इसीलिए कस्टमर कम हो गया सिटी में कम हो गया एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पार्किंग की जगह नहीं है, कस्टमर आता है वो गाड़ी खड़ी करेगा परेड में या कच्चों नहीं जाके तो पैदल चल के तो आएगा नहीं, वो कहते मैं वहीं से ले लूँगा जहाँ गाड़ी लगती है मेरी, और गांधीनगर से आएगा, चौटा नगर से आएगा, कहीं से भी आएगा, कॉलोनी से आएगा,
तो वो प्रेफर करेगा मैं वहीं से ले लूँ। यहाँ आके वो 10-15 मिनट चल के आएगा, फिर यहाँ से उठा के फिर वापस सामान लेके जाएगा, वो तो प्रेफर नहीं करेगा सिटी में आना, इसलिए काम हो गया कस्टमर। देख लीजिए, ये थे हमारे बुजुर्ग दुकानदार और कह रहे हैं कि इतनी देर से हमारे पास प्रॉपर्टी है तो किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। और सरकार को भी अभी सोचना चाहिए, रिसेशन में जा चुका है पूरा, पूरा वर्ल्ड रिसेशन में है, और फिर भी अगर अभी प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा देंगे, क्योंकि आपने डिप्टी मेयर मैडम ने बोल तो दिया है बट नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, और जब नोटिफिकेशन आ जाए तो इसका मतलब कभी भी लगा सकते हैं। हम जा रहे थे फतू की चकान वाली साइड, लोगों से व्यू पूछने कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, क्या व्यू है उनका। डिप्टी मेयर मैडम ने चाहे बोल दिया हो कि अभी नहीं लगेगा, बट नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आ चुकी है। और मास्क भी मैं डाल चुका हूँ, यहाँ पे कंजक्शन बहुत ज़्यादा है इसलिए मास्क डाल चुका हूँ मैं। तो अब सर जी पीछे से आ रहे थे, सर जी पीछे से बोलना शुरू किया, लालों को लगाओ, लालों को। सर क्या बोलना चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स अब सबको लगेगा, चाहे कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो, सब पे लगेगा। लगना ही नहीं चाहिए, किस बेस पर लगा रहे हैं, इसका मतलब कि गवर्नमेंट का सारा माल ही गवर्नमेंट का हो गया। जिस पर ये टैक्स लगा रहे हैं, हम जो देंगे टैक्स तो हम उन्हीं क्या हो गए ना, जो हमारी जगह है ये समझो कि उन्होंने खरीद के ली दी हमें, तो टैक्स किस बात का लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ चाहिए, अभी आज भी मैंने उनको सुना, मेयर साहब तो कह रहे हैं अभी हमारे पास सभी के हम व्यू लेंगे, लोकल बॉडी के लेंगे, कुछ अपने जो वो चुने हैं कॉरपोरेट वगैरह उनसे भी सलाह मशवरा लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या प्रोसीजर है। जो कह रहे थे पहले ही पहले ऑर्डर हुआ था 2005 में पता नहीं कितनी में, तो उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। नहीं उसकी तो आई है, उन्होंने इसीलिए तो बोला है कि हम अभी सभी से सलाह मशवरा लेंगे, लोकल बॉडी से भी लेंगे, अपने जो कॉरपोरेट हैं उनसे भी लेंगे कि किस प्रकार से टैक्स किस 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 का लगना चाहिए। मेरे हिसाब से बाहर जहाँ लगता है सर हम आपको बता दें, वहाँ कमर्शियल नॉन कमर्शियल दोनों पे लगता है, दोनों पे लगता है, बाहर तो लगा ना। इधर तो मैं कहता हूँ जितने भी हमारे मंत्री हैं उनको इनकम टैक्स भी नहीं देते, तो टैक्स कहाँ से देंगे। मैं जम्मू और कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में देखो, उनका टैक्स नहीं कटता, ना ही कोई स्टेटमेंट जाती ना कोई टैक्स कटता, छोटे मुलाजिम दुकानदार इनको बेचारा करते हैं पैसा। बट लोग तो कह रहे हैं अगर स्मार्ट, बीच में कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं अगर हमें स्मार्ट सिटी चाहिए तो टैक्स स्मार्ट सिटी कहाँ। हमारे महल में आज जमादार महीने में दो बार आती है, हमने 10 मेयर को फोन किया, आप बीसी रोड में खड़े हो जाइए, बंद तला की बस चलती है वहाँ देखे कितनी स्मेल है। मैंने 4 मेयर साहब को फोन किया, मैं कहा आप उधर एक परमानेंट स्वीपर खड़ा कर दे ताकि किसी को बाथरूम नहीं करने दे, इतना गंदा और इतनी स्मेल है। वो कहते हैं हाँ जी नहीं, वो जो करेगा कारपेटर जो उधर का वो लगाता है, और आप देखते हैं हम देखते हैं इतनी बदबू है वहाँ से आती, गाड़ी में बैठे इतनी बदबू आती है जी। अगर ये नहीं कर सकते तो टैक्स क्यों लेंगे फिर। अंकल आपका शुभ नाम? मदनलाल गुप्ता। मदनलाल गुप्ता जी बड़े गुस्से में है शहर का बिहार लोअर रूपनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे महल्ले में, हमारे महल्ले में अभी कल जमादार नहीं आया था, मैंने उसको बोला उसका नाम था पता नहीं कोई समथिंग कुछ, मैं कहा मैडम जी एक गली साफ करनी, कहती इतने ट्रैक लग गया था, और ट्रैक ईट तुआर रहा सी, वो मेन गली की उन्हें वो ट्रैक होंदे चले गया, तो गली अजे तक साफ नहीं हुई। अज भी उतना जो सुपरवाइजर राजकुमार है असं उसमें टेलीफोन किया, बंदा भेज रहा जी, बंदा भेज रहा, नाल ही गंद पेदा, महीने त्रै बार जिन्हें आना कि बंदे आने जी। गारमेंट्स के पास हम अभी भैया से पूछेंगे जी, प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, डिप्टी मेयर मैडम ने तो बोला था कि नहीं लगेगा, बट नोटिफिकेशन आ चुकी है। नहीं वो तो आ चुकी है मैंने सुना है, मगर ये प्रॉपर्टी टैक्स गलत है क्योंकि कईयों ने किस तरीके से प्रॉपर्टी ली है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के लिए है, कईयों के पति अच्छे नहीं है, उन्होंने चोरी छोटी छोटी पैसा जोड़ के प्रॉपर्टी बनाई हुई है, कुछ भी बनाए हुए हैं, अब जैसे उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं तो ये तो गलत है, सामने दिखता गलत है। कईयों ने कैसे इंस्टॉलमेंट पे खरीदी है, लोन लेके लिया हुआ है, वो कैसे लोन ओवर टाइम काम कर रहे हैं कहीं पे। अगर हमें स्मार्ट सिटी चाहिए तो टैक्स भी देना पड़ेगा, ऐसा बड़े सारे और लोगों का कहना है। वो कह रहे हैं तो आगे भी कई चीज़ों में टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स ही देते हैं, गाड़ी चला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं टैक्स दे ही रहे हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स लगाओगे क्या फायदा, इतने टैक्स होने चाहिए, ये कोई सरकार की गलती है, इसमें तो पब्लिक का नुकसान ही है, कोई फायदा थोड़ी है, इसमें सरकार का फायदा है, ये सरकार को समझना चाहिए, और जो सरकार नहीं समझेगी वो गलत होगी। अगर स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, स्मार्ट सिटीज़ में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी प्रॉपर्टी टैक्स है, लाइक चंडीगढ़ बम्बई हो गया, तो अगर हमें स्मार्ट सिटी चाहिए और आप देख रहे हो आपकी जो साइन बोर्ड्स लग रहे हैं वो भी स्मार्ट सिटी वाले लग रहे हैं जम्मू में, और उनके नीचे लिखा भी आ रहा है खंड मीठे लोग रह रहे, तो अब कितने मीठे हैं डोगरे ये बताएंगे प्रॉपर्टी टैक्स दे के या नहीं। देखो जी पहली बार मैं तो डोगरा नहीं हूं इसलिए अंकल जी डोगरे ही नहीं हैं, मैं सीधी बात करता हूँ हम तो ये है जो टैक्स लगा रही सरकार बिल्कुल गलत है, ये हर एक के ऊपर जो है बढ़ा रही है उनको, जो उनकी
अपने खाने के लिए इतने पैसे नहीं, इनके पास अगर टैक्स लगाएगी तो जो प्रॉपर्टी लेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पता नहीं कैसे वो पैसे जोड़ते हैं, जो पैसे जोड़ेगा वो पता नहीं कैसी मुश्किल से जगह लेगा, जगह लेके उसको बनाएगा। पहले टैक्स देगा तो फिर ही बना पाएगा ना, वरना ऐसे तो बना नहीं पाएगा। बड़ों को पकड़ो ना, जिनकी इतनी प्रॉपर्टी है, कईयों को तो पता ही नहीं है कि हमारी कितनी प्रॉपर्टी है। पकड़ो उनको जिन्होंने दो नंबर से पैसा कमाया हुआ, उनको पकड़ो जिनके खुद नहीं पता, तीन घर यहीं पे है, दो चार कहीं खरीदे, दो चार कहीं खरीदे, उनको पकड़ो फिर मज़ा आता है। अब गरीबों को पकड़ो, हुए उन्होंने एक दो प्रॉपर्टी, एक दो प्लाट लिया होगा, वो भी कि लोन लिया होगा, जगह खरीदते हैं, लोन ले लेते हैं, किस्तें कैसे दे रहे हैं, चार चार बेटे घर पे पैसा कमा रहे हैं तभी इंस्टॉलमेंट मिल रही है। चलिए अब हम जाएंगे आगे और पूछेंगे लोगों से कि प्रॉपर्टी टैक्स पे उनका क्या व्यू है। अभी बता दूं फिर से कि फतवे की बिल्कुल फतवे की चकान के हम वहाँ मेन मार्केट में आ चुके हैं। अभी हम पटेल बाजार में हैं, पटेल बाजार में कुछ लोग मिल गए, उनसे बात हो रही थी और उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ अलग व्यू है। जो शॉपकीपर है वो बोलो ना, लोग क्या करेंगे, लोग कोई आ रहा है पठानकोट से, कोई आ रहा है सांबे से, कोई आ रहा है कानाचक से, उसको क्या देना है? मेरी गलती पकड़ी गई है जी। यहाँ के पटेल बाजार के जो शॉपकीपर्स हैं, अभी हम उनसे बात कर रहे थे और उनका प्रॉपर्टी टैक्स पे क्या व्यू है हम उनसे पूछेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स पे सर होना चाहिए या नहीं? लगना चाहिए जी सर। बड़े सारे लोगों का व्यू है, क्यों लगना चाहिए? ऐसे ही लोगों को व्यू ही नहीं पता ही नहीं है कुछ, क्यों लगना चाहिए क्यों नहीं लगना चाहिए? एक एक बंदे के पास दस दस मकान है, प्लाट है, दुकानें हैं, मॉल कंसेप्ट है, ये भी देखो ना, तो लगना चाहिए ना। इसलिए तो लोग परेशान हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। वैसे अगर देखा जाए स्मार्ट सिटीज जितनी भी हैं, चंडीगढ़ है या कुछ होगी, कुछ हो गई तो वहाँ पे ये लगता है प्रॉपर्टी टैक्स। टैक्स होगा तो डेवलपमेंट होगी हर एंगल से, चाहे रोड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे पार्किंग हो, चाहे फुटपाथ हो, चाहे गली हो, लाइट हो, कुछ भी होगा, टैक्स देंगे तो ये होगा ना। जब हम रजिस्ट्री लोग कह रहे हैं हम रजिस्ट्री करवाते हुए भी टैक्स देते हैं, हम सब करवाते हुए टैक्स देते हैं, तो फिर वो रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्री का रेट है ना, ये प्रॉपर्टी टैक्स अलग इशू है। हम कहते हैं कि हमारा सोर्स इनकम क्या है, 5 लाख के नीचे हमें स्लैब के नीचे रखा है इन्होंने, लोग खुले तरीके से टैक्स भी नहीं देते हैं, तो परेशान क्यों है इसमें? प्रॉपर्टी टैक्स में होने दो, जिसके पास है उसको लगेगी, जिसके पास नहीं है तो रहने दो, इसमें क्या? ये था भैया का व्यू। और याद रखें मैंने एक पुरानी वीडियो की थी, उस पर प्रॉपर्टी टैक्स के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, दोनों बताए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए भैया ने जो भी पॉइंट बोला है वो बहुत ज़्यादा वैलिड है। अगर आपको स्मार्ट सिटी चाहिए तो स्मार्ट सिटी के लिए आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। जी सर बोले। जो 99 का ये रोशनी एक्ट है वो जल्द से जल्द वो मसला हल करे। अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगे तो रोशनी एक्ट सबसे अच्छा है, क्योंकि एक एक बंदे के पास कम से कम भी तो 10-10 कनाल, 20-20 कनाल, हर एक चीज़ है, वो तो लैंड माफिया ना जो बैठा है, इसीलिए तो रोशनी एक्ट के ऊपर भी तो परेशानी है लोगों को। रोशनी एक्ट में अगर क्लीन करने पे आएंगे सारा ही क्लीन हो जाएगा, पूरा जम्मू जाएगा, वो थोड़ी कि बुलडोजर चल पड़ेगा, सारा है ही रोशनी एक्ट है। तो अब आप चाहते रोशनी एक्ट वाले भी कर देना चाहिए साफ, वही उसी को बीच में रख के रखो ना, टैक्स तो एक ही आएगा ना, रोशनी एक्ट और ये प्रॉपर्टी टैक्स, बात तो एक ही है। भैया का विचित्र पॉइंट था, रोशनी एक्ट भी के वाले भी करो सफाया और प्रॉपर्टी टैक्स एक ही हो जाए ना, दोनों में एक ही डिसाइड करे, गवर्नमेंट करे इसका सलूशन निकाले। ये देखो अल्टरनेटिव चाहिए तो पटेल बाजार आओ, अल्टरनेटिव भैया ने दे दिया। डेवलपमेंट चाहते हो तो, डेवलपमेंट चाहते हो तो जम्मू की खासकर, और अभी साइन बोर्ड्स भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, उसके नीचे हैशटैग जो खंड मिठे लोग डोगरे भी आ रहे हैं। वो तो है ही, परंपरा है ना डोगरों की। अब कितने मिठे हैं लोग वो टैक्स देने के बाद बताएंगे। मीठे तो सिर्फ बातों में ही है, मीठे छूटे कुछ नहीं है, सब कोड़ा ही कोड़ा है। टैक्स तो देखो ना, अभी कोरोना के कारण तो दुकानदारी आगे जीरो हो गई हुई है, ठीक है जी, तो अब ऊपर से डाले जा रहे हैं टैक्स वगैरह, तो दुकानदार तो खत्म हो जाएगा, और क्या है उसमें। स्मार्ट सिटी चाहिए तो प्रॉपर्टी टैक्स तो देना ही पड़ेगा सर। ये थोड़ा सा रुकते हैं, हमने कौन सा कहा है कि नहीं देना है, लेकिन ये टाइम ठीक नहीं है इनका, इस टाइम में मतलब ये आगे कोरोना के कारण मार्केट आप देख लो, ये पटेल बाजार था जहाँ पे चलने के लिए, तो मतलब ही तो अब तो बिल्कुल खाली दिख रहा है, खाली वो है कि इस टाइम वही ठीक नहीं है। जो डिप्टी मेयर मैडम का कहना था वही लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी टाइम सही नहीं है, रिसेशन में जा चुके हैं, सारा वर्ल्ड ही जा चुका है, तो अभी ये सही टाइम नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का, आप बाद में भी लगा सकते हैं, थोड़ा डिले कर सकते हैं, ये ज़्यादातर लोगों का कहने में आ रहा है। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे, पूछेंगे लोगों से, लोगों की क्या राय है। प्रॉपर्टी प्रधान है,
अब भी पटेल बाजार के कोई कह रहे सेक्रेटरी है अंकल जी, कोई कह रहे नहीं है, अब अंकल जी का कहना अंकल जी नहीं है, बट हमें नहीं पता ये पटेल बाजार में ही काम करते हैं, इनकी शॉप है। अब अंकल से हम पूछेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स पे जो प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है उस पर अंकल जी का क्या कहना है? अगे बड़े टैक्स लगे थे, कोई टैक्स छोड़ देनी है, जी एस टी लगे था और लगे टैक्स, बथेरे टैक्स लगे थे, सफाई कर्मचारी पैसे देने सारे लगे देने, पर्चियां कटोदियां ने किन्ने टैक्स, जो टैक्स गै दिंदे ते रुट्टी कुत्थों खानी है, फुलके भी खाने नहीं, जो बच्चें भी रुट्टी पालन, बच्चे भी पालन, सारे ही पालन, किसी पालना उसकी कि'यां होना, इस करिए सोची समझिए होना चाहिए, पैसे नहीं लगना चाहिए, अपनी सोची समझिए सारा विचार करिए मुताबिक लगना चाहिए। देखो मेजोरिटी ऑफ लोग यही कह रहे हैं कि सोची समझी के लगना चाहिए टैक्स, इं ही नहीं लग जाना चाहिए, बिकॉज जो कोरोना की वजह से रिसेशन आया था, रिसेशन की मार सब पे पड़ी है, तो सोची समझी के लगना चाहिए। मैं भी डोगरी बोलने की थोड़ी थोड़ी कोशिश करा ना। हम जा रहे थे और अंकल जी ने पीछे से बोला जहर देखिए मारी छड़ो टैक्स लाना। अंकल जी क्या बोले? देखो हर जगह टैक्स लगा, कोई टोल प्लाजा चल रहा है, कोई कुछ लग रहा है, सड़कें तो बन ही रही, बाकी टैक्स लगाने टैक्स ही लगाने हैं। हम खुद बीजेपी में हैं लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त इतना टैक्स चल रहा है भाई, आदमी जीना भी हराम हो गया। मगर डिप्टी मेयर मैडम ने बोला है अभी नहीं लगाएंगे, बाद में लगा सकते हैं, बट नोटिफिकेशन आ चुकी है। बट नोटिफिकेशन रोज आ रही है, कभी इनके बारे में सोचा है कितने गंद पड़े हुए हैं? कोई है ही नहीं। देखो इनके बारे में तो सोचना चाहिए नहीं, और टैक्स लगाना बस ये इनका भैया है, टैक्स लगाना है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, क्या चलाएगा कोई गाड़ी, क्या करेगा? और एक पेट्रोल महंगी होने से कैरी कितनी बढ़ जाएगी, कितने चीज़ों में असर पड़ेगा, कोई है ही नहीं। ये थे पटेल बाजार के वो दुकानदार जो बड़े गुस्साए हुए हैं और ये कह रहे हैं हम बीजेपी में भी हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, बट फिर भी अभी कौन सा प्रॉपर्टी टैक्स, कोविड आ गया है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, थोड़े सब्र करो। पटेल बाजार के अभी एंड में आ चुके हैं हम और अंकल जी हमारे साथ हैं, दुकान ये खत्म होने वाला पटेल बाजार। आज मैं थोड़ा सा फनी मूड में भी हूँ, तो अंकल जी से पूछेंगे प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए जम्मू में, और डिप्टी मेयर मैडम ने बोला है तो अभी तो सोच विचार करेंगे, बट नोटिफिकेशन आ चुकी है, हम आपको बता दें। अंकल जी आपका क्या कहना है? हम तो कहें दुनिया भुखी मार रही और मरेगी और क्या, राज सही गल कह रहे हैं, गलत थोड़ी कह रहे हैं, दुनिया भुखी मार रही है और क्या, इतने कारोबार देखो लगता कोई नजर आता, कोई इस बाजार भर है बाजार साढ़ा, इस बाजार से कोई कारोबार नजर आता, हूँ टैक्स लगे और खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, कोई खुदकशी करता पाया, कोई चोरियाँ नहीं हो जम्मू शहर से, ये कुछ होता पाया। अगर मैंने हमने सुना पंजाब में भी लगता है, चंडीगढ़ में भी लगता है ये प्रॉपर्टी टैक्स, तो यहाँ हमने तो सुना नहीं, पंजाब से टोल टैक्स भी बंद हो गए सारे, देखो ना जाए कोई टोसर जे एंड के चल गया, टोल टैक्स ही होने के आए बाहरों, बट चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है ना, चंडीगढ़ लगता है प्रॉपर्टी टैक्स, मैंने कल अपने दोस्तों से पूछा था। आपने पूछा होगा, पंजाब की गवर्नमेंट तो ही फेल होगी, आई कोई सीट मिली कोई, इससे अरे फेल होगी गवर्नमेंट। अंकल हैं बड़े गुस्से में अंकल, और कुछ कुछ नहीं, लगने चाहिए नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लगेगा तो उड़ जाएगी गवर्नमेंट, उड़ जाएगी या लोग मर जाएंगे और क्या होगा, दो ही काम होंगे, जैसे डीडीसी के इलेक्शन के टाइम गवर्नमेंट उड़ी थी वैसे ही उड़ेगी, उड़ेगी बिल्कुल। पंजाब में देखो ना क्या हाल होया, डीडीसी के इलेक्शन याद है ना सबको, एक सीट नहीं मिली बीजेपी को, लेकिन असं कहना हर गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट आए पब्लिक खुश रहे जी, देना वो गवर्नमेंट आनी चाहिए। टाइम के साथ अगर टैक्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मेजॉरिटी आपके पास है जनाब, मगर अभी रिसेशन में जा चुका है पूरा वर्ल्ड ही, कोई जीएसटी लग गई, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लग गया, कुछ लग गया, क्या करेंगे, खुदकशी लोग करते हैं। अंकल नहीं मुझे बोलने देंगे, कोई चोरियां हो रही हैं, क्या हो रहा है देखो ना, अंकल है फुल गुस्से में, मेरे को नहीं बोलने देते। पुरानी मंडी चौक में दुकान है और दुकानदारों से, खासकर आज हम दुकानदारों से बात करें कि कमर्शियल दुकानें हैं उनको कितना इफेक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी टैक्स और उनके क्या विचार है? अंकल जी प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, वैसे तो डिप्टी मेयर मैडम ने बोला कि सोच विचार करेंगे, बट नोटिफिकेशन आ चुकी है। हाँ जी हाँ जी, वो तो जब नोटिफिकेशन आ जाए तो फिर समझो लग गया समझो, ठीक है, तो ये सबके लिए है, एक ही नहीं है, किसी के कहने में ये माफ तो होगा ही नहीं, ये तो लगेगा लगेगा, अब इशू बन चुका है, इशू के इसको समझ लो आप कंप्लीट ही हो जाएगा जी। अब आपका क्या विचार है, लग जाना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं लगे तो अच्छा है, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या है क्या नहीं, या फिर थोड़ा डिले करके लगे तो अब भी अच्छा है? नहीं डिले भी करोगे तब भी होगा, लगेगा ही लगेगा, डिले लगे। अभी थोड़ी मंदी भी चल रही है ना? हाँ मार्केट तो ठीक ही चल रही है, ऐसे भी इतनी खास नहीं है जैसे पहले होती। हाँ जी हाँ जी, इतनी वो नहीं है, ऐसे ही है, खाली खाली है खाला। चलिए वही विचार हैं जो
प्रॉपर्टी टैक्स भी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए भैया? स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए आपको जम्मू? स्मार्ट सिटी चाहिए, मगर जिस हिसाब से मंदा चल रहा है हिसाब से स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए हमें भैया। स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए इस जिस हिसाब से मंदा चल रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स अभी नहीं लगना चाहिए भैया ने स्पष्ट शब्दों। और कुछ भैया? बहुत थैंक यू। बस बुलाया ना, मेरे को लगा भैया मारेंगे, भैया कहते इधर आओ भैया। प्रॉपर्टी टैक्स ने बड़ा प्यार से बुलाया कि इंटरव्यू देने के लिए बुलाया, उसको कोई बात नहीं भैया मानेगा यार। झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं बुलाया आपको, मैं जा रहा था। बुलाया मैंने ही आपको। चलो बताओ भैया, सीरियस नोट पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है सरकार, मगर डिप्टी मेयर मैडम ने बोला कि अभी नहीं लगेगा, बट नोटिफिकेशन आ चुकी है, लगना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए? नहीं, गलत। क्यों? क्या बंदा करेगा बिजनेस इस टाइप का, सब टैक्स पे टैक्स हो जाएगा, बंदा क्या करेगा, क्या बिजनेस करेगा बंदा? स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए आपको जम्मू? स्मार्ट सिटी चाहिए तो देना पड़ेगा। वो तो चाहिए वो, मगर फिर एक बात है, बताया गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगी, और टैक्स हमारे में जाएगा, हमारे पैसे का स्मार्ट सिटी की फिर क्या फायदा? लोग टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट कुछ करेगी ना, गवर्नमेंट के पास कहाँ से आएगी पैसे? क्या क्यों, गवर्नमेंट को कितना पैसा है, सब कभी वो कुछ करना कभी वो करना। वो क्या? देखो मेरी बात सुनो, हर बंदा गरीब बंदे से वो कर रहा है, देखो कभी गाड़ी चलाओ तभी चलान, कभी कुछ करो कभी, अभी ये हमारी क्या कहते हैं यार इसको, म्यूनसिपल्टी वाले, अब उन्होंने नवा रूट डाला हुआ है 200 रुपये हर शॉप से लेना, वो किस बात का? सफाई का, आप जो गन डालते हो? वो हम डालते हैं, वो देते हैं, हम जो हम इधर आते हैं सफाई करने, उनको उनको भी देना होता हमने, वो भी देखो ना भैया, पॉलिटिशियन है भैया, पॉलिटिशियन है लग रही है। पॉलिटिशियन ही है, पॉलिटिशियन है। और के भैया गुस्सा आपका प्रकट करो, प्रकट ही यार भाई, तो बोल दो आप, क्या बोलना बोलना बोल दे जो बोलना यार, क्या बोलना यार, बेच क्या रहे हो आज पैंट शर्ट वगैरह सब? कैसा रेट क्या है? अच्छी बात है भैया, लग रहा है तू, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं कोई गल नहीं, माल के जाना साडा के जाना, माल के जाना साडा के जाना। भैया कह रहा है भैया घरों को भी देना पड़ेगा, जो म्यूनसिपलिटी के इलाकों में घर आते हैं ना उनको भी भैया, अहें अपनी गड़िया आप झाड़ू मार रहे हैं यार, आपके मार रहे फिर कला मोदी नहीं भी साफ करूंगा, अहें भी करने पड़ा कुछ, मोदी की करूं आप भी करने पड़ा। सही बात है, अकेले मोदी जी क्या करेंगे, इनको भी करना पड़ेगा। भैया नाम क्या आपका? साजन भैया। हम पुरानी मंडी थोड़ा और नीचे आ चुके हैं और लोगों से पूछते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स पे उनका क्या व्यू है। हमारे साथ अंकल जी, अंकल जी आपका नाम? अशोक गुप्ता। अशोक जी क्या लगता है आपको, प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखो अगर डेवलपमेंट के लिए अगर होनी है उसके लिए तो टैक्स लगना है। टैक्स के लिए देखो, अब लोग आते हैं ना, सफाई नहीं हो रही है, सफाई तो पहले टैक्स नहीं था तो कहाँ सफाई होती थी, पूरा दिन गंदगी रहती थी, तो अब तो टैक्स दे रहे हैं लोग तो कम से कम सफाई तो हो रही है ना। टैक्स दे रहे हैं तो सफाई तो हो रही है, टैक्स इनका मुताबिक टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स वो लग जाना चाहिए, देना चाहिए। आगे चलें, आज हमें जनता के बीच और अंकल जी बोलेंगे प्रॉपर्टी टैक्स, तो प्रॉपर्टी टैक्स अंकल जी लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, किस बात का लगना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स? कोई वो होना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स खाली जो हिंदू जम्मू के लिए है, श्रीनगर के लिए कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, जम्मू के लिए सब कुछ है। अंकल जी स्मार्ट सिटी चाहिए तो प्रॉपर्टी टैक्स तो देना पड़ेगा, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी है प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, और जो स्मार्ट सिटीज हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स। स्मार्ट सिटी के लिए पहले फैसिलिटी तो दो, स्मार्ट सिटी की फैसिलिटी नहीं है अभी लगा तो रही है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इतने अच्छे अच्छे साइन बोर्ड्स लगा रही है, नीचे लिखा है खंड मीठे लोग डोगरे, वो तो ऐसे कर रहे हैं गवर्नमेंट, चार चार नंबर महीने वाला एक्स्ट्रा ले रही है ये भैया ना, जो भैया सारी जगह बोलेंगे गवर्नमेंट महीने पे वो लेते हैं पैसे 200 महीना हर दुकानदार से, उसका फन क्या है? दुबई को आओ देखो कितना गंद पड़ा हुआ है, कोई सफाई हुई तो है नहीं इधर। लोगों का कहना ये भी है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स लगाने तो जा रही है बट सफाई तो मिलती नहीं गई, ये दुकानदारों का कहना है। ये बात भी अपने में है कि वो जो 200 रुपये देते हैं वो भी किस बात का ले रहे हैं वो 200 रुपये, ये भी है अपने आप में सोचने की बात। आप सोचिए, हम आपको आगे लेके जाते हैं।
हम हैं यहाँ पे पुरानी मंडी, हम हैं पुरानी मंडी नीचे, और हमारे साथ हैं अंकल जी। अंकल जी ने सीधा अपने विचार रखने की कोशिश की थी, मगर हमने बोला कैमरा तो ऑन करने दो। अंकल जी, प्रॉपर्टी टैक्स पे क्या बोलना चाहते हो, प्रॉपर्टी टैक्स जो लगा रहे हैं कॉर्पोरेशन? देखो, एक तो सरकार ने हमारे ऊपर जब बहुत ज़्यादा बोझ डाल रखा है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये तो हमें, हम लोगों के ऊपर नहीं लगना चाहिए। अभी कॉर्पोरेशन ने डस्टबिन के लिए हमारे से 200-200 रुपये महीना लिया है, ऊपर ये गरीब आदमियों को हर के ऊपर दबाना चलती है, इसका क्या फंड है? इसी के कारण जो हमारी सरकार है वो फेल हो रही है। ये अच्छी बात नहीं है जो गरीब आदमी को दबाया जा रहा है। एक मार्केट की पोजीशन बहुत टाइट चल रही है, इस वक्त कोरोना काल के कारण एक लखनपुर का रास्ता नहीं खुल रहा, एक मार्केट में काम बहुत कम है। ऊपर से सरकार बोलती है हमारे पास खर्चा चलाने के लिए टैक्स लगाना पड़ रहा है, ये किस बात आम पब्लिक के ऊपर क्यों बोझ डाल रहे हो आप लोग? कहा जाएगा ये देखो, अपने कोई तरीके से ऐसा जिसका हल निकले उससे करो, जिससे पब्लिक परेशान ना हो। देखो आए दिन जैसे गर्मियाँ आ गई हैं और बीमारी वगैरह फैल रही है, कॉरपोरेशन को चाहिए वो चीज़ों के सजेशन निकालने हैं। कल को शहर में कोई हड़ताल हो या कोई दंगा फसाद हो, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो ये सरकार के आगे रिक्वेस्ट करेंगे, ये चीज़ नहीं लगनी चाहिए, आम आदमी को तंग नहीं करना चाहिए, जिससे अपना फसाद वगैरह का या और किसी चीज़ का प्रोपोगंडा चलता है। इससे देखो, एक तो आगे सेंटर में पोजीशन ख़राब चल रही है, जो बीजेपी की अपनी पार्टी की सरकार खराब चल रही है, जो पोजीशन है इससे और ज़्यादा यहाँ पे जम्मू में भी ऐसी बात बन जाएगी। आज नहीं होगा, 4 दिन के बाद होगा। हम खुद बोलते हैं हम इसके वर्कर हैं या कुछ भी है, मगर हम भी इसके खिलाफ हैं। अंकल जी बीजेपी के वर्कर हैं बट फिर भी खिलाफ हैं, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, अंकल का कहना है, हमारा नहीं। पुरानी मंडी ख़त्म होने वाली है और हम जस्ट पुरानी मंडी के एंड में आ चुके हैं। अंकल जी के पास आए हैं, दुकानदार है, इनसे पूछेंगे प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। देखो जी, आगे ही टैक्सों की बहुत मार रहा है, तो आगे अगर वो टैक्स लगेगा तो फिर तो हम तो दुकानदार तो वैसे आम बंदा तो मर जाएगा बेचारा। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कुछ, एलजी साहब को भी इस बारे में, कि आगे ही डोगरा जो है जम्मू वाले तो वैसे फंसे हुए हैं बेचारे, हर जगह से मार खा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए, इनके हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, आगे बताते हैं। उधर पहाड़ों में रहते हैं, उधर कहाँ कौन सा टैक्स लगेगा? अंकल भैया रहते हैं पहाड़ों में, नहीं लगता उधर टैक्स लगेगा। अंकल जी रुकनाथ बाजार आ चुके हैं, ये अंकल जी वो हैं जो यहाँ पे घड़ियाँ बेचते हैं और वेइंग मशीन भी यहाँ पे पड़ी हुई है। अंकल जी से पूछेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए जी। अभी नहीं लगना चाहिए, क्यों अंकल जी? क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स है भाई, आम आदमी के पास लगे क्या? अच्छा, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना? स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए भैया? है स्मार्ट सिटी अपनी जगह यार, प्रॉपर्टी तो बहुत इंसान मेहनत से अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, उस पर टैक्स क्यों लगे? वो टैक्स तो लगेगा तो आगे गवर्नमेंट डेवलप करेगी ना, नालियाँ सड़कें। तो यार किस किस चीज़ पे गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी पहले मुझे बताओ? हर चीज़ पे तो टैक्स लगा चुकी है, कि नहीं लगा चुकी है? दवाइयों पे उन्होंने टैक्स लगाया, हर चीज़ पे टैक्स ही टैक्स दे रहे हैं, पब्लिक तो हर चीज़ पे टैक्स ही टैक्स दे रही है ना, अब बची प्रॉपर्टी तो इसमें भी टैक्स बताओ मेरे को, प्रॉपर्टी पे भी टैक्स? हाँ, पब्लिक सब कुछ टैक्स तो दे रही है बट इस पे भी टैक्स, ये भैया का कहना है। नहीं, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत से इंसान, चाहे बात अगर डिले में लग जाए, वैसे भी डिप्टी मेयर मैडम ने कहा है कि अभी इस पे सोच विचार होगा बट नोटिफिकेशन आ चुकी है। नहीं, इस पे सोचना चाहिए कि मेरा तो ये कहना है भैया प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। भैया का ये कहना है कि प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। हम आए हैं गॉगल्स वाली शॉप में रुकनाथ बाजार, तभी मैंने एक गॉगल डाल ली, भैया जान पहचान के ही हैं बट मैंने कोई फोर्स नहीं किया इनको बोलने के लिए। भैया प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ऑन सीरियस नोट? नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी नहीं। आगे ही जम्मू में कोरोना की वजह से लोग मार खा रहे हैं, एक और बर्डन लोगों पर अभी तो नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना यही है कि अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, चाहे बाद में लग जाए बट अभी फिलहाल नहीं, फिलहाल नहीं, क्योंकि थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने में अभी बिजनेस सारा हिल चुका है कोरोना की वजह से, लोगों की इनकम भी, कई लोगों के तो बिजनेस बिल्कुल ही तबाह हो चुके हैं कोरोना काल में, तो अभी मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, अभी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए। मेजर लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है वो कह रहे हैं कि जी हाँ, लग जाए चाहे बाद में बट अभी नहीं लगना चाहिए, बिकॉज रिसेशन आया है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो अभी नहीं लगना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे लोगों का व्यू जानते हैं वो क्या बोलते हैं। कुछ यंग दुकानदार भी हैं हमारे साथ, कुछ नए युवा बिजनेसमैन, उनसे पूछेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। ये प्रॉपर्टी टैक्स फिलहाल अभी नहीं लगना चाहिए,
क्योंकि अभी जो पब्लिक बहुत सफर कर रही है कोरोना पैंडमिक के दौरान, मार्केट में बिल्कुल ग्राहक नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, उस वजह से हर सिस्टम में उतराव चढ़ाव चल रहा है। तो फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स अभी नहीं लगना चाहिए, फिलहाल को गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि अभी ये थोड़ा सा समय जो मुश्किल वक्त है, अभी कोरोना पैंडमिक पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए इस चीज़ के लिए। ये थे आम लोग, आम दुकानदार, कुछ आम जनता जिनकी राय थी प्रॉपर्टी टैक्स पे। कि अभी मैक्सिमम राय जो निकल के आई है वो आप लोगों ने सुनी होगी कि अभी डिले हो जाना चाहिए, मगर अगर हम बात करें कुछ और दुकानदारों का, ये भी कहना था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, जब अभी कुछ स्मार्ट सिटी बनी ही नहीं है जम्मू, जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो फिर किस बात का प्रॉपर्टी टैक्स। यू आर वॉचिंग द फोर्थ स्टेट, आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हेयर, कीप वॉचिंग द फोर्थ।